हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि क्रिएटिव रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कच्चे आम और हरी मिर्च की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसको ट्रैवलिंग में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप कहीं जा रहे हैं उसके लिए आप बना सकते हैं। और इसके साथ आप एक किस चार रोटियां खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने लिए हैं, ये मोटी वाली हरी मिर्च है और ये कच्चा आम है। इसको पील कर लेंगे, छील लेंगे और इसकी जो गुठली है उसको अलग कर देंगे और बारीक बारीक कट कर लेंगे। और ऐसी हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लेंगे इस तरह से। और मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है और 100 ग्राम ही ये कच्चा आम है। तो मैंने इनको बारीक कट कर लिया है। इस तरह से हम इनको काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये करेले की तरह ही एक साइड डिश है, जिसको आप अचार की तरह खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, ये बहुत इजी है। लेंगे एक पैन, उसमें लेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसको गरम होने देते हैं और इसमें डालूंगी मैं जीरा 1 चम्मच, 1/2 चम्मच डालूंगी अजवाइन और डालूंगी हींग। और इनको होने देते हैं ब्राउन, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है और इसमें अपनी बारीक कट की हुई कच्चा आम और हरी मिर्च को डाल देंगे। और डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच और ये है सौंफ का पाउडर। सौंफ को मैंने, मोटी सौंफ आती है उसको मैंने मिक्सर में पीस लिया था, वो डालेंगे 2 चम्मच। और सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने डाला है 1/2 चम्मच। और इन सबको मिक्स करेंगे और इसको लगातार हम भूनते रहेंगे, पानी यूज नहीं करेंगे। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, तो 5 मिनट के लिए बस ढक कर रख देंगे। और 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो हमारी कच्चे आम और हरी मिर्च की सब्जी तैयार है। आप इसको पूड़ी, पराठा, रोटी के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं ढककर और निकाल लेंगे इसको एक बाउल में। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।